दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अजय देवगन अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। एक्शन से लेकर कॉमेडी तक अजय देवगन ने अब तक हर जोनर की फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता है। आज अजय देवगन 55 साल के हो चुके हैं और अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इसी मौके पर आज हम आपको अजय देवगन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल अजय देवगन ने अपने फिल्मी करियर में कुछ ऐसी फिल्मों के ऑफर को ठुकराया है जो रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और कमाई के मामले में तो कई रिकॉर्ड भी तोड़ डाले। तो चलिए आपको उन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में बताते हैं जिन्हें करने से अजय देवगन ने साफ इनकार कर दिया था। 1993 में आई फिल्म डर, ये एक साइको थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन और निर्माण यश चोपड़ा ने अपने बैनर यशराज फिल्म्स के तहत किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म का ऑफर सबसे पहले अजय देवगन के पास गया था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। वही रिलीज के साथ ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अजय देवगन के इनकार करने के बाद ये फिल्म शाहरुख खान की जोली में जा गिरी थी। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा सनी देओल और जूही चावला भी लीड रोल में थे। 1995 में आई फिल्म करण अर्जुन, ये एक एक्शन मसाला फिल्म थी जो राकेश रोशन द्वारा निर्देशित और निर्मित थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, राखी गुलजार, ममता कुलकर्णी और काजोल मुख्य भूमिकाओं में थे। आपको बता दें कि इस फिल्म का ऑफर भी अजय देवगन ने ठुकरा दिया था। 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है, इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का ऑफर भी सबसे पहले अजय देवगन को मिला था, लेकिन किसी वजह से उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। उसके बाद ये फिल्म शाहरुख खान की जोली में जा गिरी थी। आपको बता दें कि ये एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म थी जो करण जौहर द्वारा लिखित और निर्देशित थी और उनके पिता यश जौहर द्वारा धर्मा प्रोडक्शंस के तहत निर्मित थी। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ काजोल और रानी मुखर्जी भी लीड रोल में थी, जबकि सलमान खान भी विशेष भूमिका में नजर आए थे। 2015 में आई फिल्म बाजीराव मस्तानी, ये एक ऐतिहासिक रोमांटिक फिल्म थी जिसका ऑफर जब अजय देवगन को मिला तो उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। बाद में ये फिल्म रणवीर सिंह को मिली थी जो संजय लीला बंसाली द्वारा निर्देशित थी, जिन्होंने इसे इरोस इंटरनेशनल के साथ सहनिर्मित किया था और इसका साउंडट्रैक तैयार किया था। इस फिल्म में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में थे। साल 2018 में आई फिल्म पद्मावत, ये एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म थी जो संजय लीला बंसाली द्वारा निर्देशित थी और बाजीराव मस्तानी के बाद अजय देवगन को ये फिल्म भी ऑफर हुई थी जिसमें उन्हें शाहिद कपूर का रोल दिया गया था, लेकिन अजय देवगन ने इस फिल्म को भी करने से मना कर दिया था। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती की भूमिका निभाई थी।